विजयदान देवता जी जो है राजस्थान के लोक साहित्य और संस्कृति के अग्रणी लेखक हैं। जैसे हम मेहनत करेंगे वैसे अनाज पाएंगे ना, वैसे ही यहाँ पर लोगों की बुद्धि कैसी रहती है ना वैसे ही उनकी बोली और वैसे ही जो है यहाँ पर उनके हालात जो है रहते हैं दो तीन दिन कूची से कला पोतने पर वापस सफेद हो जाते हैं नमस्कार मैं हूँ हर्षिता हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से उजाले के मुसाहिब जो है उसे देखेंगे पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह उसके लेखक परिचय जो है वहां देखेंगे देखिए प्रस्तुत पाठ के लेखक है विजयदान देता विजयदान देता जी जो है राजस्थान के लोक साहित्य और संस्कृति के अग्रणी लेखक हैं इन्होंने राजस्थानी लोक साहित्य को जो है यहाँ पर लिपिबद्ध करने का एक काम जो है किया है देखिए इनका जन्म जो है यहाँ पर सन 1926 में बोरांदा में हुआ इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वह इस तरह है वाताम्री फुलवाड़ी रूंख दुविधा, उजाले के मुसाहिब आदि देखिए वाताम्री फुलवाड़ी जो है इसमें उन्होंने राजस्थान की जो लोक कथाएं है ना उसे लिपिबद्ध करके उसका संकलन जो है किया है वही है वातामरी फुलवाड़ी फिर उसके साथ साथ रूं में भी जो है उनकी आत्मकथा को भी शामिल करके बहुत सारे उनकी रचनाएं जो है वहां सम्मिलित है देखिये विजय दान देता जी ने यहाँ पर पत्रिका संपादन का काम भी किया है इनकी मृत्यु जो है सन 2013 में हुआ चलिए प्रस्तुत उनकी जो पाठ है उजाले के मुसाइब अगर इसे हम देखेंगे तो यह एक क्या है लोक कथा शैली में है। कैसे है यहाँ पर कथा ही है मगर वहाँ लोक कथा शैली में जो है इसमें लेखक ने क्या किया है यहाँ पर चकवा और चकवी के द्वारा जो है कतान का वितान जो है यहाँ पर वह बुनते जाते हैं मतलब एक चकवा और चकवी जो पक्षी है वह जो है यहाँ पर कहानी को सुना रहे हैं या फिर चकवा जो है कहानी जो है वहां सुना रहा है तो इस तरह जो है यहाँ पर कहानी को वहां बुनते जाते हैं तो ये लोककथा शिल्प शैली में है देखिए यह कहानी जो है वह सामंती जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर जो है यह टीका व्यंग्य करती है सामंती जीवन में जो मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर जो है पर टीका व्यंग्य करती है और अगर राजा जो है वह सक्षम ना हो तो अगर राजा एक राजा एक राज्य के जो है वह सक्षम ना हो तो वह किस तरह अंधकार फैल जाएगा देखिए अपर अंधकार का अर्थ अग्न जो है वह फैल जाएगा और लोग क्या है किस तरह वहाँ उस स्थान के लिए मतलब राजा के स्थान के लिए उस सिंहासन पर बैठने की योग्यता न होने पर भी क्या है ये सामंती राज्य व्यवस्था के कारण वहां राजा बनता है और लोगों को जो है मजबूरन उसे अपना राजा मजबूर तीखा व्यंग्य जो है इस कहानी में यहाँ पर लेखक ने किया है अभी हम पाठ को देखेंगे देखिए पाठ का प्रारंभ यहाँ पर किस तरह किया है यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या है लोक कथा शिल्प में है तो ऐसे में पर चकवा पक्षी जो है वह चकवी को कहानी जो है सुना रहा है तो देखिए यहाँ पर कहरे चकवा कटे जो रात घर बीती बीती या पर घर तो घर घर जाने अपनी अपनी सबको ताने पर बीती में परमानंद सुनते ही कट जाए फंद जैसी बुद्धि वैसी बोली किसने मापी किसने तोली जैसी मेहनत वैसा अनाज खाए मुंह और अखियान में लाज तो अमर अवधूत साई सबको सुमति दे की एक था अनाम राजा देखिए अभी चकवा पक्षी जो है किस तरह कहानी का प्रारंभ जो है वहां कर रहा है तो ऐसे में वहां क्या करता है कह रहे चकवा भी में, क्या है बात जो कह रहा हूं उसे सुनना घरबीती या परबीती देखिये घरबीति मतलब अपने घर के बारे में तो सबको ही सोचता है मगर दूसरों के बारे में जो सोचता है ना उसमें मतलब परबीती में जो है परमानंद है तो ऐसे में क्या है सुनते ही सारे फल है वहाँ कट जा जाएगा मतलब क्या है पर सारी जो बंधने हैं वहाँ कट जाएंगी तो ऐसे में देखिए जैसी बुद्धि वैसी बोली मनुष्य की बुद्धि जैसी होती है ना वैसे ही उसकी बोली होती है किसने मापी किसने तोली तो यहाँ पर देखिये कहते कि आगे जैसी मेहनत वैसा अनाज किस तरह हम कैसे मेहनत करता है खेत में इतना ही यहाँ पर वैसे ही अनाज जो मिलता है ऐसे ही मनुष्य के कर्म ही है। वो क्या करता है वही तो वह पाता है तो ऐसे में क्या है भगवान जो है सबको दे अभी सुनो मेरी कहानी एक था अनाम राजा करके कहानी सुनाना जो है यहाँ से वहां प्रारंभ करता है तो देखिए पर अनाम राजा करके दिया है अनाम राजा कर जिसका नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है तो एक राजा था तो उस राज्य में जो है एक दिन कौन आता है यहाँ पर उसके राज्य में एक संत महात्मा जो है वहां पधारते हैं तो जैसे ही वह महात्मा आते हैं तो क्या है सबको बहुत ही खुशी होती है एक तो राजा को भी खुशी होती है उसके साथ साथ क्या है जितने भी राज्य की प्रजा थे ना वह भी बहुत ही खुश होते हैं तो देखिए यहाँ पर राजा और रैयत का हो भाग्य की एक बार साधु संतों का सिर मौर ज्ञानियों का गुरु एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई देखिए यहाँ पर कैसे कहा गया है कि आहो भाग्य मतलब मानो क्या है भाग्य ही खुल गया है उस राज्य का या फिर राज्य के लोगों का कि इस तरह जो है यहाँ पर क्या है एक तीर्थंकरों का एक दल जो है उसमें एक महान संत महात्मा जो है वहां भी जो रहता है वहां पधारते हैं तो ऐसे में क्या होता है देखिए मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा तो ऐसे में क्या हुआ है यहाँ पर जैसे ही वह संत महात्मा उस राज्य में पदारता है राजा तो बहुत ही खुश होता ही है और राज्य के जो प्रजा लोग है जो जो भी वह काम करते रहते हैं वो सब काम छोड़कर क्या है यहाँ पर संत महात्मा को देखने के लिए या फिर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जो है भागे चले आते हैं और सभी जो है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए क्या है आगे आगे बढ़ते रहते हैं सभी जो है यहाँ पर संत महात्मा को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि मानो वो कैसे यहाँ पर सोच उनका रहता है कि यहाँ पर कोई साधु नहीं या फिर कोई महात्मा नहीं बल्कि क्या है खुद परमात्मा ही यहाँ पर आए हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तो ऐसे में देखिए पर हर कोई जो है सिर्फ उस महात्मा को देखना चाहता है और उसे आशीर्वाद जो है यहाँ पर लेना चाहता है मानो अगर उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो सबका जीवन जो है वह सार्थक हो जाएगा तो इस तरह जो है सभी लोग खुश हो जाते हैं ऐसे में पहले जो है राजा और राजमहल में जो लोग रहते हैं वहाँ के लोग जो है आशीर्वाद लेते हैं फिर उसके बाद लोग जो भी थे प्रजा लोग जो भी थे वहां भी आशीर्वाद लेते हैं उसके बाद उनके, उसके बाद उनके जो जो है उसका जो है उसका प्रवचन शुरू होता है कि मानो क्या है यहाँ पर कोई भगवान ही जो है वह उससे भुलवा रहा इस तरह वहा कुछ क्या है प्रवचन जो है वहां सुनाता है या फिर अपनी बात जो है वहा कहता है तो ऐसे में अंधकार को जो है मिटाने की बात यहाँ पर स्वामी या फिर जो महात्मा है वहां कहता है मतलब राजा जो है यहां पर उसे भोजन के लिए कहता है तो वो कहता है कि नहीं मैं भोजन नहीं कर सकता यहां पर मैं अंधकार में भोजन को स्वीकार नहीं कर सकता मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे राज्य में बहुत ही अंधकार है ऐसे में पहले तुम इस अंधकार को मिटाना फिर उसके बाद क्या क्या है है अगर तुम नहीं बुलागे तो भी मैं यहां पर आऊंगा और क्या है तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा या फिर यहाँ से भोजन जो है वहां स्वीकार करूंगा करके तो सिर्फ इतना ही कितना देखिए वो कहते हैं कि शाश्वत रूप से इस अंधकार जो अभी इस राज्य में जो अंधकार है उस राज्य को तुम्हें हमेशा के लिए मिटाना होगा और प्रकाश को जो है यहाँ पर फैलाना होगा तो इस तरह मतलब हमेशा यहाँ पर प्रकाश रहे इसका ख्याल जो है तुम्हें रखना होगा तो इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं अभी तुम हमेशा मेरी बात को याद रखना तो इस तरह वह महात्मा कहता है फिर वहां चला जाता है तो ऐसे में देखिए राजा चिंतित हो जाता है क्या हो जाता है राजा बहुत ही चिंतित हो जाता है अभी संत महात्मा ने कहा कि अंधकार है तो ऐसे में क्या है उन्होंने कहा कि पहले अंधकार को मिटाना फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा करके तो अंधकार को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए देखिए यहाँ पर राजा जो है ठीक से जो है यहाँ पर जो महात्मा है उसकी बात को वह समझ नहीं पाया यहाँ पर महात्मा ने किस नजरिए से कहा अंधकार का तात्पर या उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा कर हमेशा के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना करके मगर इस बात को इस मर्म को वहां नहीं समझ पाया उसने सोचा कि अंधकार को मिटाना है ऐसे में वहां क्या है सभा को बुलाता है अपनी राज्यसभा को बुलाता है देखिए उस वहां पर जो है नवरत्न थे और एक क्या है यहाँ तो पर मंत्री था राजा और मंत्री और उसके नवरत्न जिनकी तारीफ यहाँ पर हर जगह होती है कि वह बहुत ही बुद्धिमान है देखिए यहाँ पर राजा की बुद्धि की भी तारीफ वाह होती रहती है उसके राज्य में कि राजा बहुत ही बुद्धिमान है करके और उसके साथ साथ जो नवरत्न है वह बहुत ही बुद्धिमान है करके तो ऐसे में यहाँ पर जब सभा वहां बुलाता है सभी लोगों को बुलाता है चर्चा करता है कि अभी महात्मा ने ऐसे किया वो आतिथ्य बिना स्वीकार के मतलब खाए बिना ही वह चले गए तो ऐसे में पहले अंधकार को मिटाना है और क्या है उस महात्मा को फिर से बुलाकर उसे खाना खिलाने तक मुझे चैन नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाए अंधकार को मिटाने के लिए राजा यहाँ पर पहले नवरत्नों से पूछता है तभी नवरत्न देखिए क्या कहते हैं अभी क्या है आपके सामने हमारे बुद्धि जो है कहां चलेगी अभी तो क्या है इस समस्या का तो परिहार सिर्फ आप जैसे बुद्धिमान ही जो है पर निकाल सकते हैं तो ऐसे में राजा को जो है एक उपाय उपाय है, है, है कुछ साल पहले जो है यहाँ पर बाढ़ के पानी जो है राजमहल के तयकान में जो है घुस आई थी तो ऐसे में उस पानी को जो है उछाल कर बर्तनों से जो है उछाल कर उछाल कर जो है बाहर उलिझ कर उसे निकाला गया था देखिए जैसे ही इस बात को वह याद करता है तो वह कहता है कि मुझे आज की तरह याद है तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं मतलब वो बात याद आ गई ना उसे तो इसलिए वह कहता है मुझे आज भी एक बात याद है और आप सभी लोग जानते भी हो कि मैं याद रखने वाली जो बात है उसे कभी नहीं भूलता करके तो ऐसे में वह कहता है किस तरह क्या है कुछ साल पहले जो है पर बाढ़ के पानी राज्य महल के तहखाने में घुसाने पर उसे उलिझ कर जो है बर्तनों में सभी उलिझ कर जो है उसे बाहर निकाला गया था बताइए क्या वहाँ वापस आया था फिर क्या है मंत्री जो कहता है कि नहीं अंदाता करके तो एक बार पानी निकालने पर फिर से पानी वापस नहीं आया उस समस्या का समाधान या फिर परिहार जो है तभी हो गया आता करके फिर राजा यहाँ पर पूछता है क्या अभी तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया सभी कहते हैं नहीं मुझे समझाइए करके तो ऐसे में वह कहता है कि किस तरह पानी को जो है पर उलीच कर जो है बाहर निकाला गया था वैसे ही क्यों ना हम अंधेरे को भी उलीच कर जो है बाहर निकाल दे? देखे यहाँ पर अभी तो सच में राजा की बुद्धि को जो है दाद देनी पड़ेगी पहले तो वो क्या है अज्ञान जो है मतलब अंधकार करके वहां अज्ञान के लिए प्रयोग कर रहा बातवास नहीं समझ पाया प्रकाश मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने के लिए वहां कह रहा है हो ये भी समझ नहीं पाया फिर अब तो उसने हदी कर दी थी कि किस तरह पानी को हम बर्तनों में अगर क्या है घर में अगर जैसे पानी घुसाया तो उसको बर्तनों में भरकर हम किस तरह बाहर फेंकते हैं पुलिस ने मतलब क्या है उसे भरकर बाहर फेंकना तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर वह सोचता है कि उस दिन जिस तरह पानी घुसाया था तो उसे उलझकर कर बाहर फेंक दिया तो अंधेरा भी अगर आएगा तो उसे ही बर्तनों में उलिझ कर जो है हम बाहर फेंक देंगे देखिए यहाँ पर वह ये जो बात कहता है तो उस समय देखिए एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की पानी तो उलझ कर तहकाने से बाहर उछाल दिया मगर अंधेरे को कहा उछालेंगे देखिये एक नवरत्न ने नवरत्नों में से एक रत्न ने जो है यहाँ पर एक प्रश्न किया पानी तो हमने क्या किया यहाँ पर राजमहल के तयकाने से क्या है भरकर जो है बर्तन में उसे बाहर उलीचा मतलब बाहर फेंक डाला मगर अंधेरे को कहा हम फेंकेंगे देखिए मगर अंधेरे को कहा उछालेंगे देखिए फिर वहां तो चारों दिशाओं में छाया रहता है सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं ना कहीं तो जाता ही है दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते हुए कहा जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं हाँ जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला देखिए कैसे नवरत्न है तो ऐसे में जो पहला वाला रत्न जो है कहता है कि अभी तो पानी को हमने बाहर फेंका मगर सूरज जो अंधेरा है उसे कहाँ से हम फेंके या फिर उसे कहाँ हम उछालेंगे करके पहले प्रश्न करता फिर क्या है जब सूरज झुकता है तब तो जो है यहाँ जो अंधेरा है कहीं ना कहीं अपने ठिकाने पर वह वापस लौटता ही है देखिए रात में तो हर जगह जो है अंधेरा यहाँ पर छाया रहता है रात के संदर्भ में हर जगह अंधेरा छाया रहता है तो ऐसे में अंधेरे को कहां उछालेंगे फिर वही कहता है कि सुबह सूरज उगते ही जो है अंधेरा कहीं ना कहीं उसका ठिकाना है वहां जाता है तो हमें वही पर उसे उछालना पड़ेगा कहा फिर देखिए यहाँ पर और एक जो रत्न है वो कहता है जरा सोच समझ कर बात करो तुम कहते हो हर जगह अंधेरा रहता है फिर कहते हो कहीं उसका ठिकाना है अभी अंधेरा अपनी जगह छोड़कर जाता है या नहीं पहले इसे स्पष्ट करना करके नवरत्न जो है पर नवरत्नों में से दूसरा रत्न जो है यहाँ पर इस तरह पूछता है फिर वह पहले वाला रत्न जो है वह कहता है कि हाँ हाँ अपनी जगह तो वहा छोड़ता ही है तो इतने में राजा जो है यहाँ पर कहता है कि ठीक है अभी आप बहस बंद करो अभी क्या है अगर वह जगह चोरता ही है तो क्या है हम उसे क्या है ऐसे ही उलिछ कर बाहर फेंकेंगे तो ऐसे में देखिए राजा ने निर्णय ले लिया दीवान जी सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो इसी अम्बाज के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा लगे सो तब नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए राजा ने धमकाते हुए कहा किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कौ को फिकवा दूंगा महात्मा जी को जितनी जल्दी का आमंत्रण तभी मुझे मिलेगा देखिए पर अभी राजा ने क्या है निर्णय ले लिया कि अंधेरे को उलिज कर हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे या फिर उसे निकाल देंगे करके तो ऐसे में वहां क्या है यहाँ पर मंत्री से कहता है दीवान मतलब यहाँ पर कौन है मंत्री है तो मंत्री से क्या कहता है यहाँ पर अभी अमवास के शुभ मुहूर्त में ही देखिए उस दिन अमवास था तो ऐसे में तो और भी क्या है अंधेरा जो है वहाँ ज्यादा रहता है या फिर घना अंधेरा वहां पर रहता है तो ऐसे में इसी शुभ मुहूर्त में हम अंधेरे को उलीज कर जो है यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो ऐसे में वहां पर बर्तनों की बात होती है तो तभी राजा कहता है कि उसके घर में जो जो मतलब लोगों के घर में जो जो बर्तन है ना उसी बर्तन में जो है लोग क्या है अंधेरे को भरकर बाहर उछाले तो ऐसे में देखे यहाँ पर वह ये कहता है कि कोई भी जो है इस काम में थोड़ी सी भी ढिलाई ना बरते उन लोगों को तब तक ये काम करना है मतलब सभी राज्य के जितने भी लोग हैं उन लोगों को तब तक ये काम करना है जब तक अंधेरा जो है पूर्ण रूप से क्या है निकल नहीं जाता या फिर समाप्त नहीं हो जाता अगर कोई भी यहाँ पर क्या है काम चोरी करेगा या फिर काम में ढिलाई करेगा तो क्या है उसकी आंतों को जो है चील कौ को खिला देंगे हम तो इस तरह जो है शक्ति से जो है यहां पर ये आदेश जो है वहां देता है क्यों वहां देता है क्योंकि जब तक क्या है यहां पर महात्मा को बुलाकर उसे क्या है भोजन न खिलाए मतलब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दू तभी मुझे क्या है चैन मिलेगा वो तो क्या है बिना भोजन स्वीकार के जो चले गए ना उसे वह बहुत ही परेशान है इसीलिए उन्हें बुलाना है फिर से जल्दी बुलाकर उन्हें जो है पर भोजन जो है खिलाना है तो ऐसे में अभी राजा का जो आदेश जो है निकल गया है तो सबको मानना ही पड़ेगा दीवान भी जो है पूरे राज्य में जो है ढिंडोरा जो है पिटवाता है कि राजा का यह आदेश है और वह काम जो है सबको करना है करके तो जैसे अंधेरा होता है तभी जो है सभी लोग मतलब राज्य के सभी लोग जो है उनके घर में जो जो बर्तन थे यहां तक कि बच्चे बूढ़े भी यहाँ तक कि बच्चे बूढ़े भी सभी लोग जो है एक एक बर्तन को लेकर जो है चाहे परात हो बेसन हो जो भी हो सबको लेकर जो है जो उनके घर में जो यहाँ पर बर्तन थे उसे लेकर तैयार थे और अंधेरा होते ही जो है अंधेरे को उलीचने का काम जो है वह करने लगे देखिए यहाँ पर ये यह सोच कर ही जो है हमें हंसी आती है ना कि कैसे यहाँ पर अंधेरे को भरकर उसे बाहर से फेंक सकते हैं कहाँ फेंक सकते हैं जब हर जगह अंधेरा रहता है तो, तो ऐसे में अंधेरे को भरकर भरकर उसे बाहर निकालने का जिस तरह पानी को भरकर हम बाहर फेंकते हैं वैसे ऐसा एक काम जो है रात भर होने लगता है लगभग बहुत समय तक तक जो है राजा भी पर क्या है खड़े होकर देखता रहता है कि कैसे काम जो है वहां चल रहा है फिर उसके बाद उसे नींद आ जाती है तो वह दीवान से मंत्री से कहता है कि अभी क्या है मैं और यहाँ पर नहीं रह सकता मुझे बहुत नींद आ रही है मैं जाकर सो जाऊंगा मगर तुम जो है सबका ख्याल रखना देखो कि सभी जो है यहाँ पर काम जो है करते रहे तो ऐसे में क्या है राजा जो है सोने चला जाता है अपने कमरे में वहां चला जाता है तो यहाँ पर राजमहल में भी वह काम चल रहा है और पूरे राज्य में भी वह काम चल रहा है सिपाहियों को तैनात किया गया है कुछ सिपाहियों को कि देखे कि सभी लोग ये काम कर रहे हैं या नहीं करके तो कुछ लोगों की तो क्या है हाथ ही दर्द उठने लगते हैं कि रात भर सोए नहीं बिना नींद के क्या है पर वही काम करते जा रहे ऐसे में देखिए ऐसे में जब सुबह सूरज निकल आता है तो रोशनी फैलती है तो यहाँ पर दीवान क्या सोचता है अभी हाँ, अंधेरा तो हमेशा के लिए चला गया। अंधेरा जो है वहां हमेशा के लिए चला गया अभी उन्होंने रात भर जो काम किया अंधेरे को क्या है उलिज कर उसे बाहर फेंक कर अंधेरे को मिटाने का जो यहाँ पर प्रयत्न उन्होंने किया उसका ही क्या है ये फल है करके तो ऐसे में वहां क्या है घोड़े पर सवार होकर राजा के पास आता है और राजा को कहता है कि देखिए आपने जो आदेश दिया था उसे सबने क्या है उसका पालन किया और उसी का नतीजा है देखिए अभी कैसे यहाँ पर प्रकाश जो है फैल चुकी है करके तो ऐसे में दीवान फिर से ऊपर आता है राजा दीवान में बातचीत होती है कि आज तो कितना प्रकाश है ना ये सच में असल वाला क्या है प्रकाश है क्योंकि अंधेरा पूर्ण रूप से मिट गया है इसीलिए फिर उन्हीं पर बातचीत होती है कि क्या है ये हर दिन जो सुबह होती है वह सुबह है या फिर अंधेरे को मिटाने के बाद जो रोशनी फैलती है वहां है करके तो ऐसे में क्या है बातचीत जो है होता रहता है तो वहां पर देखिए राजा जो है कहता है कि अभी जो है संत महात्मा को संदेश भिजवा दो वो कहीं भी हो वहां यहां उन्हें आना है और भोजन जो है स्वीकार करना है क्योंकि उन्होंने जो बताया था अंधकार मिटाने की बात जो है काम जो सौंपा था वहां मैंने कर दिया है करके तो ऐसे में एक रत्न ने धीमे से कहा हुजूर दो तीन दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते देखिए और एक रत्न जो है वह क्या कहता है दो तीन दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल करे तो जैसे ही बात रत्न कहता है तो दीवान जो है कहता है क्या कहता है दीवान अरे तुम पागल हो क्या यहाँ पर क्या है सूरज डूबने पर या फिर क्या है अंधेरा आने पर जो है रात दिन होगा अभी अंधेरा हमेशा के लिए ही गया तो कहाँ की रात और कहा की दिन अब तो क्या है सिर्फ चौबीसों घंटे फिर हमेशा के लिए प्रकाश ही प्रकाश जो है हमारे राज्य में फैला रहेगा तो ऐसे में क्या है राजा भी जो है बहुत ही विश्वास जो है वहां पर करता है कि हाँ अभी तो अंधेरा पूर्ण रूप से मिट गया है और संदेश भी भिजवाने के लिए वहां तैयार हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है फिर से शाम होती है फिर से शाम होती है और क्या है अंधेरा जैसे ही सूरज डूबता है और क्या है वहां पर अंधेरा जो है हो जाता है आगे देखिए पर उस संदर्भ में कैसे यहाँ पर उन लोगों में बातचीत जो है होती है कैसी बह के बह बातें कर रहे हो राजा बीच में टोक कर बोला कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं अब तो इसके पुरके भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते देखिए वो ऐसे बोलता है ना दो तीन दिन और रुकेंगे करके तो वहां पर क्या है राजा कहता है कि कैसे बहके बह के बातें तुम कर रहे हो अभी अंधेरा क्या अंधेरे के हमारे राज्य की तरफ क्या है अभी वापस कर नहीं आ सकते तुम्हें इस प्रकाश की कुछ विशेषता नजर आई नजर तो आई अंदाता लेकिन दीवा ने हंसकर टालते कहा अब लेकिन लेकिन का कोई लफड़ा नहीं देखिए राजा उसे पूछता अभी तुम्हें इस नई प्रकाश का कोई क्या है यहाँ पर फर्क जो है वह कुछ समझ में आया क्या करके तभी वहां पर एक रत्न कहता है कुछ तो यहाँ पर समझ में आया मुझे लेकिन तभी यहाँ पर दीवान कहता है हंसते हुए उस बात को टालते हुए अभी लेकिन लेकिन की कोई लफड़ा नहीं फिर भी एक दिन तो और करके यहाँ पर कौन कहता है जो एक रत्न जो है वह कहता है तभी दिन दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है अब तो आठो पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा अब ना तो रात होगी और ना दिन देखिए अभी और एक रत्न जो है उसकी बात को टालते हुए कहता है कि क्या है अब तो दिन दिन की बात कहा देखो अभी क्या है रात होने पर ही तो दिन होता है ना अब तो सिर्फ क्या है उजाला ही उजाला जो है वहां जगमगाएगा तो इस तरह जो है यहाँ पर क्या है वहां पर जो बातचीत कर रहे हैं तो वो जो लोग जो लोग है उनकी बुद्धि के बारे में सोचिए यहाँ पर कि क्या कभी हमेशा अंधेरा जो है वह मिट सकता है हमेशा के लिए रात ना हो ऐसा हो सकता है इतनी भी एक सोच जो है वहाँ उनमें नहीं है तो ऐसे में ऐसे सभी बात जो है वहाँ कर रहे हैं और जो यहाँ पर टोक रहा है वहाँ भी एक दो दिन तो क्या है जांच पड़ताल कर लेंगे करके वहां भी कहता है मगर उसकी बात कोई यहाँ पर नहीं मानता मगर देखिए यहाँ पर उनके मानने या ना मानने से कौन सा फर्क पड़ता है है ना तो ऐसे में यहाँ पर हमेशा की तरह उस दिन सूरज डूबते ही जो है फिर से जो है अंधेरा जो है फैल जाता है तभी यहाँ पर सभी लोग निराश हो जाते हैं मगर राजा जो है कहता है कि कोई बात नहीं शायद अंधेरा उलिछने में कोई कमी रह गई होगी और भी उल्लीचो और भी उल्लीचो करके क्या है एक दो दिन और जो है पर उनसे वह काम करवाता है मगर तब भी जो है पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं मिटता है तो फिर से वही दिन रात की बात तो ऐसे में क्या है प्रजा भी यहाँ पर निराश होते हैं और नवरत्न भी मगर राजा जो है वह सोचता ही रहता है वो अपना हौसला जो है कम होने के लिए नहीं देता है देखिए अभी राजा का जो पहला उपाय है वह तो विफल हो गया है वह क्या सोचता है कि अभी क्या है जो रसोई घर है उसमें चूल्हा जो है वह जलाने पर देखिए राजा महाराजाओं के समय में उस समय तो क्या है चूल्हा ही रहते थे तो चूल्हा जलाने पर जो है यहाँ पर रसोई की जो दीवारें है वह तो पूर्ण रूप से काले पड़ जाते थे उसके धुएं के कारण तो ऐसे में वहां एक दिन फिर से सभा बुलाकर नवरत्नों को सभी बुलाकर जो है पूछता है कि जब हम क्या रसोई घर में चूल्हा जलाते हैं तो उसके धुए के कारण क्या है दीवारें काली पड़ती है या नहीं तभी देखिए यहाँ पर क्यों नहीं होती दीवान के साथ साथ नवरत्नों ने भी जवाब दिया सफेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती है अनदाता अन्न दाता करके या पर क्या है दीवान उस राजा के लिए प्रयोग कर रहा है शब्द क्यों नहीं अन्नदाता देखिए दीवान के साथ साथ नवरत्न भी बोलते हैं देखते देखते जो है यहाँ पर सफेद दीवारें जो है काले पड़ जाते हैं तभी देखिए पर राजा प्रश्न करता है अरे वे काली स्याह दीवारें वापस सफेद कैसे होते हैं देखिए वहां काली दीवारें जो है सफेद जो है वहां वापस कैसे होते हैं इस बार अकेले दीवान ने ही कहा कैसे देखिए इस बार मतलब जब राजा पूछते हैं कि अभी काले पड़े हुए जो दीवार है वहां सफेद वापस कैसे हो जाते हैं तो ऐसे में दीवान जो है इस बार अकेला बोलता है कि कैसे क्या हुजूर दो तीन दिन कूची से कलाई पोतने पर वापस सफेद हो जाती है देखिए यहाँ पर दो तीन दिन कूची से कलाई पोतने पर वापस सफेद हो जाते हैं अभी क्या है जो दीवार काले पड़ जाते हैं तो उस पर चूना मारने पर कलाई पोतने पर क्या है कुंची कुंची मतलब ब्रश पर क्या है ब्रश तो ऐसे क्या है चूना मारने पर दो तीन दिन फिर से वहां सफेद हो जाएंगे उसमें क्या है देखिए राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुरा कर पूछा भी नहीं समझे देखिए ऐसे में राजा अभी परिहास करते हुए मानो वहां मुस्कुराते हुए पूछता है कि अभी नहीं समझे आप लोग मतलब वो कुछ बताना चाहता है उसे कुछ एक नया आइडिया जो सूझा हुआ है उसके बारे में बताना चाहता है तो वह उपाय क्या है अभी क्या है वैसे ही कलही पोतकर ही जो है अंधेरे को हम मिटाएंगे कैसे देखिए वो कहता है कि सूरज के दिन भर सूरज के जलने की धुआ ही जो है वह ही अंधेरा है तो ऐसे में क्या है हम चूना मारकर कलई पोत जो है हम क्या करेंगे अंधेरे को मिटाएंगे अभी राजा का आदेश निकल गया तो ऐसे में देखिए राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही थी डिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी है सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलाई का घोल और कुंचियां लेकर अंधेरे को पोतने लगी तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं वही अंधेरा और वे ही देखिए अभी राजा का आदेश है तो ढिंडोरा भी पिटवा दिया दीवान ने तो वैसे में रात होते ही सब लोग है कूंची जो है कूची लेकर जो है वहाँ चूना मारने का काम कलाई पोतने का काम जो है उन्होंने रात भर किया यहाँ पर राजमहल में भी वहाँ काम हो रहा है और उसके साथ साथ क्या है राज्य के हर रे घर में वह काम हो रहा है ऐसे में इस बार भी राजा क्या है कुछ रात तक जो है वह जगा रहता फिर कहता है कि मैं सो जाऊंगा फिर क्या है यही काम होता रहता है हर एक के हाथ दुखने लगते हैं रात भर वही कम कलाई पोत पोत कर जो है उनका हाथ दुखने लगता है तो ऐसे में हमेशा की तरह सूरज उगाया फिर उसके बाद जो है क्या है रोशनी फैली तो उसी रोशनी को वहाँ कलाई पोतने का नतीजा समझे फिर इस बार वहा क्या सोचते है अभी रात भर हमने जो परिश्रम किया उसका फल है हमारे मेहनत का फल है फिर दीवाना कर राजा से कहता है फिर यहाँ पर देखिये इस बार और एक रात तक जो है देख कर रुकने की बात होती है फिर रात तक देख कर रुकते हैं तो फिर से क्या होता है वहां पर अंधेरा तो शायद कुछ चूक जो है रह गई होगी तो इसलिए फिर से कलाई पोतने की फिर जब उस उस दिन दिन रात होता है तो उस दिन भी अंधेरे को मिटाने के लिए कलाई पोतने का काम होता है फिर से यहाँ पर वहां भी जो उपाय है वह सफल नहीं होता फिर से सभी लोग क्या है चिंतित हो जाता है फिर से राजा सोचने लगता है कि नया उपाय की क्या करे अंधेरे को मिटाने के लिए तब ऐसे में ही एक दिन रात को जब वह सोचता रहता है तो उस रात में एक दिया जो है जलता रहता है तो उस दिए को देखकर जो है एक नया उपाय उसे सोचता है अगले दिन सुबह ही सबको वहां बुलाता है तो देखिए वो कहता है कि घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं वो पूछता है नवरत्नों से दीवान से कि हम घर में चूल्हा जलाते हैं तो उससे यहाँ पर उजाला होता है या नहीं करके तभी देखे यहाँ पर इस बार नवरत्नों ने एक साथ स्वीकार किया होता है अंधाता हमेशा होता है भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा हाँ होता है मतलब नवरत्नों और दीवान सभी एक ही साथ बोल उठ चूकता है इस बार होता है अंधाता अभी भला चूल्हा जलाने पर क्या है पर आग जलती रहती है तो रोशनी तो फैलता ही है उजाला तो होता ही है तभी देखिए अपर राजा क्या कहता है बस यही बात अच्छी तरह समझने की है राजा ठड्ड विश्वास के साथ कहने लगा हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है कुछ समझे या नहीं देखिए अभी वहाँ कहता है कि क्या है हम जलाते ही जो है प्रकाश फैल जाता है तो ऐसे में क्या है हम यहाँ पर अंधेरे को जलाएंगे अंधेरे को जलाएंगे तो ही यहाँ पर प्रकाश फैल जाएगा तो अभी हमें क्या है अंधेरे को उलिशने से कोई यहाँ पर क्या है काम नहीं बना और उसके साथ साथ कलाई पुतने से भी कोई काम नहीं बना तो अभी हम अंधेरे को जला देंगे तो वह नष्ट हो जाएगा हमेशा के लिए प्रकाश फैल जाएगा इस तरह एक नया उपाय जो है वहां राजा सोचता है उसकी अविवेकता जो है कितनी है यहाँ पर हम सोच सकते हैं तो ऐसे में हमेशा की तरह जो है अब भी जो है वहां ढिंडोरा पिटवाने के लिए कहता है कि रात भर जो है अंधेरे को जलाने का काम किया जाए करके राजा की बात को नकारने की तो हिम्मत किसी में नहीं थी ना ही नवरत्नों में और ना ही दीवान में और ना ही प्रजाओं में तो दूर की बात है तो क्या है वहां भी बेवकूफों की तरह वही काम करते रहते जो राजा कहते तो ऐसे में क्या होता है रात भर अंधेरे को जलाने का काम होता है फिर सुबह होता है फिर उस समय भी सोचते हैं कि हाँ भी जलाने के कारण से देखो कितना पर प्रकाश फैल गया है फिर रात होता है और उन्हें पता चलता है कि यह उपाय भी विफल हुआ तो ऐसे में फिर से राजा हार नहीं मानता है तो वो और एक नया उपाय क्या है पर सोचने में लग जाता है तो राजा देखे यहाँ पर क्या पूछता है राजा ने बिड़ते ही उनसे पूछा बोलो हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं होती है अंधाता उसमें बेजोड़ ताकत होती है फिर भी संकाल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है अंदाता बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है तब इतना परेशान होने की क्या वजह है सूरज अस्त ना हो तो अंधेरा भी ना हो पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक ले तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं देखिए अभी जो नया उपाय राजा को सूझा है उस संदर्भ में वो यहाँ पर पूछता है अभी बताओ जो हाथी रहता है उसमें बेजोड़ ताकत रहता है मतलब बहुत ताकत रहता है ना तो उसे काबू में करने के लिए हम संकाल से उसे बांधते हैं हाथी को तो ऐसे ही क्यों ना हम सूरज को ही बांध रखे अगर सूरज डूबेगा या फिर सूरज निकल जाएगा तभी तो अंधेरा होगा ना अगर सूरज ही नहीं जाएगा तो देखिए इसीलिए वह कहता है कि सूरज की पतली पतली किरणों को हम रस्सियों से रस्सी जो है सूरज को रखेंगे उसकी जगह पर ही उसे रखेंगे तो सूरज अगर हमेशा के लिए रहेगा तो वहां हमेशा के लिए प्रकाश जो है फैला रहेगा और सूरज नहीं जाएगा तो अंधेरा भी नहीं आएगा तो ऐसे में क्या है हर वक्त प्रकाश ही प्रकाश रहेगा देखिये ये कितनी बेवकूफ यहाँ पर उपाय है भला कभी कोई सूरज को भी क्या है बांध कर रख सकता है मगर तो प्रजाओं की आवश्यकता नहीं हम भी राजमहल के छत पर जाकर जो है सेनाओं को लेकर मतलब सैनिक लोग जो रहते हैं उन्हें लेकर जो है यहाँ काम करेंगे सूरज को बांधने की काम करेंगे उसकी किरण को बांधने की काम करेंगे करके तो यहां भी काम करते हो रहा क्या है यहां तो विफल ही होगा तो ऐसे में सब काम विफल जो होता रहता है ऐसे में राजा बहुत ही परेशान होता है और क्या है वहां पंडितों को बुलाकर जो है उपाय जो है पूछता है कि क्यों ऐसे हो रहा है जो भी मैं काम बता रहा हूं या फिर जो भी मैं सोच रहा हूँ सभी विफल हो रहे हैं करके राजा ने पूछा तो पंडितों को मयान बताना ही था स्वामी के आदेश के अवहेलन कैसे करते पंचांग में काफी देर नजर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की गरीब परवर इसके लिए आपको एक टोटका का सराहना होगा शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को सात दिन का अखंड मौन रहना होगा देखिए यहाँ पर अभी जो है पंडितों को बुलाया है पंडितों को कहा जा रहा है की कुछ उपाय आप बताए कुछ करना पड़ेगा कोई दोष है क्या करके अभी राजा ने बताया तो पंडित भी नकार नहीं सकते वो भी पंचांग सभी देखते हैं और एक टोटका जो है करने के बारे में कहते हैं और एक उपाय जो है वहां सुझाते हैं कि क्या है यहाँ पर नंदी को जो है नंदी को खरे सोने से बनवा कर जो है यहाँ पर आपको बांटना पड़ेगा फिर सात दिन का मौन जो है मौन व्रत और रखना पड़ेगा तभी देखिए मेरा तो पेट ही फट जाएगा सात दिन का मौन हाँ गरीब नवाज पूरे दिन का मौन ये भी कम नहीं अच्छा पंडितों के ज्ञान से प्रवाहित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा किसे दान करना होगा गरीब गरीबों को अभी क्या है पहले तो वह कहता है की अभी मेरा तो पेट ही फट जाएगा सात दिन का मौन व्रत रखना पड़ेगा मैं चुप नहीं रह सकता करके तो ऐसे में क्या है पंडितों ने बता है कि हाँ आपको तो ये करना ही पड़ेगा फिर वह मान जाता है फिर वह पूछता है कि ठीक है वो तो ठीक है अभी ये जो दान जो है किसे देना पड़ेगा नंदी का जो दान है करे सोने का जो मूर्ति का जो दान है वहां किसे देना पड़ेगा करके क्या गरीबों को देना पड़ेगा क्या करके तभी देखिए यहाँ पर नहीं करुणा निदान पंडितों को नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान देखिए पंडित भी यहाँ पर जो है, भी कुछ कम नहीं है। अभी वो कहते है कि नहीं गरीबों को नहीं पंडितों को देना पड़ेगा अगर आपको गरीबों के प्रति क्या है इतनी ही मोह माया है, तो आप क्या है गणेश के वाहन जो चूह है तो उस चूहे के यहाँ पर क्या है दान जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। चूहों की मूर्ति का दान जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं करके ऐसे में देखिए फिर से खम्मागणी अंदाता खम्मागणी आपसे क्या छिपा है आप तो सर्वज्ञ है एक मामूली सी अरदास में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से सवा हाथ नीचे सात घोसले कुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए गरीब परवर जब उन घोसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देंगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा फिर तो सूरज को हथेली में खिलाए तो अन्दाता की मर्जी और चांद को टोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा देखिए यहाँ पर अभी क्या है राजा को बताया गया कि चूहों का जो दान है वह कर सकते हैं तो यहाँ पर राजा कहते हैं कि क्या गणेश चूहा दान करना भी कोई कम बात है क्या वहा भगवान की वह वाहन है तो ऐसे में गणेश के पिता ईश्वर है और माता पार्वती है तो वह भी उनकी शक्ति भी कुछ कम नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर खम्मा गणी करके अभी क्या है आपको मतलब खम्मागणी कहते हैं पंडिता और कहते हैं कि आप विद्वान हैं आपसे क्या छिपा है तो ऐसे में ये सभी कहकर वह कहता है कि अभी और एक अर और एक रिक्वेस्ट है आपसे और एक काम जो है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा जो भीम तालाब है ना उस तालाब में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सात हाथ सता जो है नीचे जो है घोसलों को कूदवाना पड़ेगा और वहां पर शकुन पक्षी आकर अलग अलग रूप से जब अंडे देंगे तभी जो है यहाँ पर आपके हर काम जो है सफल होंगे तो देखिए यहाँ वह कहते हैं कि जब चाहे आप सूरज को हाथ से उछाल सकते है और हैं और चांद को कटोरे में भरकर जो है पर उछाल सकते हैं वो आपकी मर्जी क्या ऐसा संभव है देखिए ना ही ये काम तो हो सक होगा और ना ही उसके साथ साथ उसने आदेश भी दिया उसके बाद क्या है यहाँ पर नदी में यहाँ पर घोसला जो है खुदवाना क्या ये संभव है नदी में घोसला खुदवाना भी असंभव है और उसके साथ साथ वहां पर नदी के अंदर पानी के अंदर पंजिया जाकर शकुन पक्षी जाकर अंडे देंगे ये भी असंभव है तो एक असंभव सुझाव जो है वहां देते हैं क्योंकि राजा उसे ना कर पाए और क्या है पंडितों के ऊपर कोई जो यहाँ पर आपत्ति जो है वहां ना आए और राजा सोचे कि क्या है यह काम मैं नहीं कर पा इसीलिए क्या है पर हमेशा के लिए प्रकाश को क्या है बनाए रखने का फिर अंधेरे को मिटाने का काम भी वह ना कर पाए तो ऐसे में राजा की बुद्धि कैसी है पर हम देख सकते हैं तो संत महात्मा ने राजा की इसी अज्ञानता को मिटाने की बात कही थी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा कर, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने की बात कही थी तो यही देखिए सामंतवादी व्यवस्था है क्योंकि उसके पिता राजा थे तो वह उसका बेटा है वह युव है तो अभी वह राजा बन जाएगा उसमें बुद्धि है या नहीं उसमें ताकत है या नहीं या फिर राजा बनने की क्षमता उसमें है या नहीं उसे कोई लेना देना नहीं है और राजा बन भी गया है तो क्या है पर अभी जो भी वो मूर्खता से जो भी बोलता जाएगा प्रजाओं को भी उसे मानना पड़ेगा तो इसीलिए कहा था कि पंडित ने कि मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा राज्य जो है अंधकार में डूब गया है ज्ञान रूपी अंधकार में वहां डूब गया है तो यही पर जो है सामंतवादी राज्य व्यवस्था पर जो है यहाँ पर तीखा व्यंग्य जो है लेखक करते हैं धन्यवाद